पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का निधन हो गया। 67 साल की उम्र में सुषमा स्वराज ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी। बता दें कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था और बीमारी की वजह से मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर भी उन्होंने मंत्री पद लेने से मना कर दिया था। 2019 में विदिशा से उन्होंने दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ा था। चलिए एक नजर डालते हैं उनके जीवन और राजनीतिक सफर पर। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब भारत में महिलाओं को घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था। आज महिलाएं घर के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान दे रही हैं। भारत की राजनीति में महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उन चंद महिलाओं में हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रही। आपको बता दें, सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 में अंबाला में हुआ था। सुषमा स्वराज के पिता श्री हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे, जिस वजह से सुषमा स्वराज ने अपने आसपास संघ और राजनीति का असर शुरू से देखा। इन्होंने राजनीति, विज्ञान और संस्कृत जैसे प्रमुख विषयों से अंबाला छावनी के SD कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। सुषमा स्वराज ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून विभाग से LLB की डिग्री हासिल की। 1970 में इन्होंने अंबाला छावनी के SD कॉलेज से सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। आपको बता दें, 1977 में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। उस समय उनकी आयु 25 वर्ष थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार के दौरान इन्होंने सूचना और प्रसारण के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में लोकसभा वार्ता के लाइव प्रसारण का एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। आपको बता दें, सुषमा स्वराज ने 13 जुलाई 1975 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील श्री स्वराज कौशल, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर थे, से विवाह किया था। स्वराज कौशल 1990 में देश के सबसे कम उम्र के राज्यपाल बने थे। आपको बता दें, सुषमा स्वराज की एक बेटी है जिसका नाम बांसुरी है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और इस समय लंदन में वकालत कर रही हैं। सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 1977 में जब वो 25 साल की थी, तब वो भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। 1989 में 27 साल की उम्र में वो हरियाणा में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष बनी थी। सुषमा स्वराज को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता होने का भी गौरव प्राप्त है। सुषमा स्वराज विपक्ष की पहली नेता भी बनी थी। आपको बता दें, सुषमा स्वराज 4 साल तक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हैं। 4 साल तक इन्होंने हरियाणा राज्य में जनता पार्टी की अध्यक्षा का पद संभाला था। 21 दिसंबर 2009 में सुषमा स्वराज विपक्ष की पहली महिला नेता बनी थी और तब इन्होंने श्री लालकृष्ण आडवाणी के बाद ये पद ग्रहण किया था। 26 मई 2014 को सुषमा स्वराज भारत सरकार में विदेश मामलों की केंद्रीय मंत्री बनी। 30 दिसंबर 2000 से 29 जनवरी 2003 तक इन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर सेवा की। 29 जनवरी 2003 से 22 मई 2004 तक वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय मामलों की मंत्री रहीं। 16 मई 2009 को सुषमा स्वराज को छठी बार 15वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में चुना गया था। वे लोकसभा में 3 जून 2009 में विपक्ष की उपनेता बनी। 21 दिसंबर 2009 को सुषमा स्वराज विपक्ष की पहली नेता बनी थी। तब इन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी के बाद ये पद ग्रहण किया था। 26 मई 2014 को सुषमा स्वराज भारत सरकार में विदेश मामलों की मंत्री बनी थी। 2019 लोकसभा में सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। स्वास्थ्य कारणों को लेकर सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और आखिरकार 6 अगस्त 2019 को 67 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया।